मैंने आपको बताया कि यूजर्स कौन है. यूजर्स आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स. यूजर्स आर योर पोटेंशियल कंज्यूमर्स. आपकी साइट यूजर्स के बगैर नहीं चल सकती. इसकी एग्जांपल इस तरह सोचेंगे, अगर एक दुकान है और उस दुकान पे कोई जा ही नहीं रहा तो वो दुकान कैसे चलेगी. दुकान चलने के लिए देयर नीड टू बी पीपल हु गो टू दैट दुकान या शॉप और वहां से कुछ खरीदारी करें. ठीक है कि आपके कंज्यूमर्स या आपके यूजर्स या आपके वेबसाइट को जो लोग प्रीव्यू कर रहे हैं, दोज पीपल आर नॉट बाइंग एनीथिंग इन योर वेबसाइट प्रॉब्ली, बट दे आर व्यूइंग समथिंग. दे आर गिविंग यू देयर टाइम और उनके टाइम की एक कीमत है. ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक के यूजर्स. अभी तक आपने सीखा कि यूजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. यूजर्स आर वेरी इंटीग्रल टू द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सीएमएस के लिए यूजर्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि सीएमएस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट, मुद्दा. क्या आप डालेंगे, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, वीडियो है, क्या है, किधर है, क्यों है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यू द यूजर्स, यू हु विल बी गिविंग योर टाइम टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट. इसी तरह अगर आप रोज जाते हैं वेबसाइट पे, पाकिस्तान में जिस तरह कुछ वेबसाइट मशहूर हैं, प्रो पाकिस्तानी, टेक जूस, मैंगोबाज, आप उन वेबसाइट्स को अपना टाइम दे रहे एंड दोज पीपल मोनिटाइज देयर कॉन्टेंट यूजिंग योर टाइम. वट इज मोनिटाइजेशन. मोनिटाइजेशन से ये मुराद है कि यही वेबसाइट बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाके उनको कहती हैं कि आप हमें पैसे दें बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग यूजर्स. तो ये प्लीज जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि यूजर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दे एग्जिस्ट एंड वेयर दे एग्जिस्ट. जिस तरह मैंने आपको बताया, यूजर्स आर एवरीवेयर. पाकिस्तान हो, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, देर इज नो रीजन व्हाई यू कैंट अट्रैक्ट दोज यूजर्स. बट लेट्स के हम नए यूजर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी ऐड न्यू यूजर. तो जी इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है. आपने वही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो खोलना है और उस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप यूजर सेक्शन में जाएंगे और यूजर सेक्शन में जाके जो ऐड न्यू यूजर का एक बटन है आप उसको क्लिक करेंगे. उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगी, कुछ फील्ड आएंगे. उस फील्ड में लेफ्ट साइड पे आपके पास लेबल्स होंगे और राइट साइड पे आपके पास इंफॉर्मेशन एंट्रिंग के लिए यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए, उन फील्ड्स को यूज करते हुए यू विल बी एबल टू ऐड यूजर. जब आपको ये पेज डिस्प्ले होगा तो आप उन वेरियस फील्ड्स में साथ साथ इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. और ये वेरियस फील्ड्स क्या है, चलो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वेरियस फील्ड्स क्या है और कैसे हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं. एक फील्ड सबसे टॉप पे जो है वो है यूजर नेम. इट्स अ मैंडेटोरी फील्ड. मैंडेटोरी से मुराद है कि ये फील्ड डाले बगैर आप यूजर क्रिएट नहीं कर सकते. लाजमी आपने ये फील्ड यूज करनी है, यहाँ पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एंटर करनी है. तो यहाँ पे आप एक नए यूजर का यूजर नेम एंटर कर दें. दिस वुड ऑल्सो बी यूज एज देयर लॉगिन नेम. ये याद रखिएगा कि यही लॉगिन नेम के तौर पे भी यूज होगा. और कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो यूजर नेम कोई और डाल देते हैं और उनका ईमेल कोई और होता है. तो नाउ वर्डप्रेस गिव्स यू द ऑप्शनैलिटी, आप यूजर नेम और साथ साथ ईमेल को डाल के लॉगिन कर सकते हैं. बट देयर इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग हियर, यूजर नेम कैंट बी चेंज. यूजर नेम नहीं चेंज हो सकता. एक दफा जो यूजर नेम बना लिया वो नाम फिर नहीं तब्दील हो सकता. ये बिल्कुल आपके अपने नाम की तरह है. जिस तरह जब आप बचपन में एक आपका नाम रख दिया जाता है, बेशक आपको पसंद हो ना हो,
वो नाम आपके साथ जुड़ जाता है। इसी तरह आपका यूजर नेम भी एक दफा आपने बना लिया तो उसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर आते हैं ईमेल पे। ईमेल इज अगेन मैंडेटोरी। ईमेल आप एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालें, उस ईमेल को मेक श्योर के वो ईमेल वही हो जो उस यूजर का भी ईमेल हो। और ईमेल के बारे में देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो के ईमेल एड्रेस मस्ट बी यूनिक फॉर ईच यूजर। आप ये नहीं कर सकते कि आप जल्दी में मल्टीपल यूजर्स बना रहे हैं और उसमें आप कहें कि जी मैं जो है एक ही ईमेल से 10-15 अकाउंट बना दूं, तो आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे आप डीजी स्किल्स में साइन अप हुए थे, आपने एक यूनिक ईमेल एड्रेस बनाया था, वैसे ही जब आप यूजर्स ऐड करेंगे वर्डप्रेस में यू विल यूज यूनिक ईमेल एड्रेस। फिर आप फर्स्ट नेम एंटर करते हैं एक फील्ड, उसके लिए आप लास्ट नेम एंटर करते हैं उसके लिए एक फील्ड है। और एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोग ये भी कर देते हैं कि वो फर्स्ट नेम में ही अपना पूरा नाम डाल देते हैं। ये ना करें, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एक वेबसाइट की फील्ड है, उसमें आप वेबसाइट डाल सकते हैं अगर आपकी कोई वेबसाइट है। आप पासवर्ड अपना डाल सकते हैं, जिधर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि इफ यू क्लिक ऑन शो पासवर्ड यू कैन सी द पासवर्ड। सेंड यूजर नोटिफिकेशन की एक ऑप्शन है कि अगर आप एक नया यूजर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाए इसके पासवर्ड के साथ, तो यू हैव द ऑप्शन टू इनेबल सेंड यूजर नोटिफिकेशन एज वेल। फिर रोल है, रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी में आपका जो रोल है वो इंतहाई क्रिटिकल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप घर में एक रोल प्ले करते हैं, या यू आर अ पेरेंट, या यू आर अ सन, या यू आर अ ब्रदर। वर्डप्रेस विल गिव यू द ऑप्शन टू सिलेक्ट मल्टीपल रोल्स, और आपने सिलेक्ट करना है कि आपका रोल वर्डप्रेस में क्या है, क्योंकि आप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रोल आप चूज करना चाह रहे हैं अपने यूजर के लिए जिसको आप ऐड करें। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह डिलीटिंग अ यूजर इज वेरी सिंपल। आप तो जाएंगे उसी स्क्रीन पे जो कि यूजर्स की है, वहां पे आप किसी भी एक यूजर की फील्ड पे जाके आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन होगा, यू कैन जस्ट डिलीट इट। द डिलीट लिंक वोंट अपीयर फॉर यूजर हु इज ऑलरेडी लॉग्ड इन। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिलीट नहीं कर सकते। So please do not try this at home. अच्छा, जब आप डिलीट करते हैं किसी यूजर को तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप उसका कॉन्टेंट किसी और यूजर को एट्रीब्यूट कर दें। सो दिस इज अगेन एन ऑप्शन दैट यू हैव। सो लेट्स क्लिक ऑन यूजर्स, जो कि मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूं, एंड लेट्स क्लिक ऑन एड न्यू। जब मैं एड न्यू पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है विच इज यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, पासवर्ड, सेंड यूजर नोटिफिकेशन, एंड रोल। एक एक करके मैं चलूंगा और आपको सिखाऊंगा कि यूजर आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज यूजर नेम। लेट्स से मैं अपनी एक दोस्त जिसका नाम है सलमा, ये कोई असल मेरी दोस्त नहीं है, एक्चुअली है भी लेकिन आई जस्ट मेड अप दिस नेम सो आई कैन ऐड अ न्यू यूजर फॉर सलमा। सो सलमा का मैं यूजर नेम बनाता हूँ सलमा, और इनका एक इमेजिनरी ईमेल जो मेरे जेहन में आ रहा है salma@gmail.com वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इमेजिनरी ईमेल है तो प्लीज salma@gmail.com को ईमेल्स करके तंग ना कीजिएगा, दिस इज नॉट रियल। तो ये ना हो कि वहाँ पे कोई सलमा हो जो आपको जिनको आपकी ईमेल आती हैं और वो पूछते रहे कि डीजी स्किल्स क्या है और किस तरह से काम करता है। सो दिस इज एन इमेजिनरी यूजर दैट आई हैव क्रिएटेड। उनका नाम हम ऐड करते हैं सलमा और कोई इमेजिनरी सा नाम सेकेंड नेम ऐड कर देता हूं मैं तैयब। वेबसाइट में नहीं ऐड करना चाह रहा बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव अ वेबसाइट फॉर दिस यूजर। पासवर्ड में आई कैन क्लिक ऑन शो पासवर्ड और ये मुझे ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा एक बड़ा डिफिकल्ट सा पासवर्ड क्रिएट करने की। तो आई कैन क्रिएट अ वेरी सिंपल पासवर्ड फॉर समर विच इज QWERTY12 एंड देन वर्डप्रेस विल टेल मी कि ये पासवर्ड बड़ा वीक है, प्लीज पासवर्ड जो है उसको या अच्छा कर ले या कंफर्म द यूज ऑफ वीक पासवर्ड। सो आई विल चेक दिस एंड नाउ आई हैव द ऑप्शन के सेंड ईमेल टू न्यू यूजर अबाउट देयर अकाउंट एंड आई कैन क्लिक ऑन इनका रोल कौन सा मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द रोल ऑफ एन ऑथर, मैं इनका रोल सिलेक्ट करूंगा, मैं एड न्यू यूजर करूंगा और आप देखेंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा अ न्यू यूजर कॉल्ड सलमा has been added। और उनकी यहाँ पे पिक्चर इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सलमा ने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अगेन
टेलिंग यू दिस salma@gmail.com को मैं बिल्कुल नहीं जानता, प्लीज इनको ईमेल ना सेंड कीजिएगा, लेकिन दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी यूजर एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस यूजर टू सी व्हाट हैपेंस. अब मैं इनको डिलीट कर पे क्लिक करूंगा एंड आई क्लिक ऑन कंफर्म डिलीशन. And the user has been deleted. So आपने देखा कि उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि इसका कॉन्टेंट मैं किसी और को एट्रीब्यूट करूं कि ना करूं. वो इसलिए बिकॉज सलमा का तो कोई कॉन्टेंट ही नहीं था. सो दिस इज समथिंग दैट यू लर्न विद टाइम ऑन हाउ यू कैन एड यूजर्स एंड रिमूव यूजर्स. हमारे साथ रहेगा बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी एंड वी वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर. That's why I suggest कि आप हमारे LMS पे भी हमारे साथ कनेक्ट करें, हमारे साथ Facebook पे भी कनेक्ट करें. And users की यहाँ पे बात हो रही थी, add करें नए users, explore करें, देखें अपनी टीम को बढ़ाएं ताकि मिलके आप आगे चल सकें और इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें.